बिहार के बक्सर का इतिहास बहुत ही दिलचस्प रहा है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में इतिहास के बारे में बताने नहीं आए हैं। अब आपके भी मन में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर आप यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं। बिहार के पश्चिम भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित बक्सर शहर का सियासी और धार्मिक महत्व रहा है। दरअसल आज हम आपको इस वीडियो में बक्सर के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखा है, खूब देखने लायक भी। इस मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बक्सर में कई ऐसे मंदिर हैं जिससे लोगों की अपार आस्था जुड़ी हुई है। इसमें बक्सर के संगमेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को लेकर कई तरह तरह की मान्यताएं आज भी खूब प्रचलित हैं। यही कारण है कि सावन हो या शिवरात्रि का पर्व, शिव भक्तों का जन सैलाब यहाँ जलाभिषेक करने के लिए उमड़ता है। यह मंदिर सेंट्रल जेल से पश्चिम गंगा नदी, थोरा नदी और कंचन नदी के संगम पर स्थित है, इसीलिए इसे संगमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के महंत बद्रीदास जी का कहना है कि इस मंदिर की मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हाथों से किया था, तभी से यह शिवलिंग इसी संगम तट पर स्थित है और यहाँ शिव भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। आपको बता दें कि मंदिर के महंत बद्रीदास जी का यह भी कहना है कि जंगल होने की वजह से शिवलिंग तक कोई भी पहुंच नहीं पाता था, लेकिन साल 1734 में ग्रामीणों ने शिवलिंग की स्थापना कर पहली बार पूजा की थी। मंदिर से शिवलिंग 6 फीट नीचे है। ऐसे में जब गंगा अपने उफान पर होती है तो मंदिर के नीचे हिस्से में पानी आ जाता है, जिसको लेकर यह भी कहा जाता है कि संगमेश्वर महादेव के शिवलिंग का जलाभिषेक स्वयं पतित पावनी माँ गंगा करती है। मान्यता यह है कि यहाँ जलाभिषेक करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिससे दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। वहीं स्थानीय डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी का कहना है कि यह मंदिर काफी साल पुराना है, यहाँ अब तक कई महंत रह चुके हैं। आपको बता दें कि दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों को कब्जे से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार बटुक वामन के रूप से इसी बक्सर में दिया था, तो उन्होंने ही तीनों नदियों के तट पर इस शिवलिंग की स्थापना की थी। खास बात तो यह है कि प्रयागराज के बाद बक्सर में यही स्थान है जहां तीन नदियां एक साथ आपस में विलय करती हैं। उन्होंने बताया कि यह स्थान बहुत ही रमणीय है, जिससे लोग शांति पाने के लिए भी यहां पहुंचते हैं।